Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. One by one. देखिए इस देश के 2 करोड़ बेरोजगार युवा को प्रधानमंत्री जी के प्रॉमिस के मुताबिक रोजगार मिले। इस देश में सच्चा लोकतंत्र और संविधान लागू हो, सोशल जस्टिस एंश्योर किया जाए। अखिल गोगोई को जिस तरह से एनएसएस के चलते टारगेट किया गया, इस प्रकार से किसी का उत्पीड़न ना हो। और खास तौर पे भीम आर्मी के हमारे साथी चंद्रशेखर आजाद रावण को हर कीमत पर रिहा किया जाए। यदि ये बात कहने का अधिकार इस देश के युवा को नहीं, इस देश के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नहीं, तो मेरा मानना है इस देश की सरकार को खुद से अशेम्ड होना चाहिए। और आज जिस प्रकार से सारे युवा साथ में आकर जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात की, एक बहुत बड़ा संदेश है। आज मीडिया के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री जी का ये जवाब मांगा है कि सर जी आप कहिए, आप मनुस्मृति को पसंद करते हैं या संविधान को? और यही सवाल लेकर आज अभी 5 लोगों का हमारा एक डेलीगेशन पीएमओ ऑफिस में जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से विनम्रता से उनसे जानना चाहते हैं, आखिर इस देश में संविधान के मूल्यों के बजाय मनुस्मृति को मूल्यों को लागू करते हुए दलित, आदिवासी, मुस्लिम, किसान और मजदूर और खास करके युवा वर्ग का उत्पीड़न क्यों हो रहा है? धन्यवाद। हमारे ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया, हिंसा भड़क रहा है, अभी किसी को कन्विंसिंग नहीं लगता। हम जब चुनाव लड़े और जिस सिंबल से चुनाव जीते वो है सिलाई मशीन। और पूरे कैंपेन के दौरान हम ये कहते थे कि 22 साल के दौरान गुजरात के अंदर तोड़ने की राजनीति हुई, हम तो सिलाई मशीन वाले हैं, धागे से धागा पिरो कर हम जोड़ने की राजनीति करने के लिए आए। तो साथी कन्हैया, शैला और दूसरे सभी साथियों का बिल्कुल सही कहना है, हम वो लव जिहाद वाले नहीं, हम तो प्यार इश्क मोहब्बत जिंदाबाद वाले हैं। और इसीलिए 14 अप्रैल भी सेलिब्रेट करेंगे, वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आपके बीच में ये बात भी साफ कर दे, मीडिया के सारे मित्रों के माध्यम से, कि हमारा साफ तौर पे मानना है और विनम्रता के साथ मानना है कि जिस प्रकार गुजरात के अंदर अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी ने मिलकर युवा वर्ग की अगुवाई में इनके 150 सीटों के घमंड को 99 पे आकर रख दिया, उसी के चलते हमको टारगेट किया जा रहा है। और उसी के चलते संघ और बीजेपी के जिन लोगों ने भीमा कोरेगांव पर हिंसा किया, उनकी गिरफ्तारी के बजाय ऑफेंस हमारे ऊपर बंद कर दिया कि हम किसी भी समुदाय, जाति या धर्म के खिलाफ न थे न होंगे। अब इस देश के लोकतंत्र में मानते हैं, इस देश के संविधान और संविधान के मूल्यों में मानते हैं। सावित्रीबाई फुले, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की फिलोसॉफी में मानते हैं। और इसीलिए कहते हैं, मालूम है हमारे असेंबली में जाने के चलते आपको बहुत सी फाइलें जलानी पड़ी है और सारे वो ब्यूरोक्रेट जो इतने सालों तक बोल नहीं पा रहे थे, वो सारी करप्शन की फाइलें हमारे पास आने वाली है, हमको मालूम है। लेकिन आप ये बात भी समझिए, भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई उसमें कोई जिग्नेश मेवानी को नहीं, आपको जवाब देना है। आपको ये जवाब देना है कि आखिर
अखिल गोगोई के ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? आखिर 700 से 800 स्टूडेंट्स और यूथ लीडर्स के ऊपर पिछले 4 सालों के दौरान ऑफेंस क्यों दर्ज हुए? आपको ये जवाब देना है कि भीम आर्मी के साथियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आपको जवाब देना है कि चंद्रशेखर रावण रासुका के चलते जेल में क्यों बंद है? आपको जवाब देना है पूना के विक्टिम्स को न्याय क्यों नहीं मिला? आपको जवाब देना है आज भी पूना सहारनपुर और भीमा कोरेगांव क्यों हो रहा है? ये आपको जवाब देना है कि विदेशी बैंकों में पड़ा 15 लाख इस देश के गरीब आदमी के जेब में क्यों नहीं आया? आपने हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार का जो प्रॉमिस दिया था, उस प्रॉमिस का क्या हुआ? आपको जवाब देना है कि मध्य प्रदेश के किसानों की छाती पर आखिर गोलियां क्यों दागी गई? ये सवाल पूछने के लिए सोशल जस्टिस के एजेंडा के साथ सारे युवा लीडर आज मौजूद हैं। आपको ये जवाब देना है कि आखिर रोहित वेमुला की हत्या क्यों हुई और नजीब को गायब क्यों किया गया? ये सारे सवाल हम विधायक के तौर पे गुजरात की असेंबली में भी पूछेंगे और सड़कों में विपक्षी से खड़े रहकर भी। साथियों, हम ज्यादा लंबा बात नहीं करेंगे, ज्यादातर